अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज नंबर 48 पे टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स की खसूसियात। यहाँ पे पहले देर लिखा है, यहाँ पे एंड आएगा, एंड देयर इफ़ेक्ट्स और इनके असरात ऑन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, इंसानी हिस्सों के निज़ाम पर। कार्बन मोनोक्साइड प्रॉपर्टीज़ हैं सबसे पहले इसकी। कार्बन मोनोक्साइड इज़ अ कलरलेस, बेरंग, ऑडरलेस, बेबू एंड पॉइजनस गैस और जहरीली गैस है। इफ़ेक्ट, इट अफेक्ट्स ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स, ये ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स को पूरी तरह मुतासिर करता है, इंसान के हिस्सों का जो निज़ाम है उनको बुरी तरह मुतासिर करती है। एंड काजीज और बाइस बनती है हेडेक, सर दर्द का, ब्रेन डैमेज, ब्रेन की तबाही का, एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और सांस से जुड़े हुए मसाइल्स का। वैन कार्बन मोनोऑक्साइड रीच, जब कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचती है आवर ब्लड, हमारे खून तक, इट बाइंड्स, ये जुड़ जाती है विद हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के साथ। हेमोग्लोबिन हमारी ब्लड प्रोटीन है, ब्लड के अंदर रेड सेल के अंदर जो प्रोटीन है वो हीमोग्लोबिन है। ये उसके हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ जुड़ जाती है एंड रिड्यूसेस और कम कर देती है इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, इसकी ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी को कम कर देती है, जिससे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल होगा वो भी कम होगा। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। पहले इट इज़ अ कलरलेस बेरंग गैस है विथ इरीटेटिंग स्मेल, चुभन पैदा करने वाली बू के साथ। इफ़ेक्ट, इट डिजॉल्व्स, ये हल हो जाती है इन रेन वाटर, बारिश के पानी में। एंड कॉजेज एसिड रेन और तेजाबी बारिश की वजह बनती है। एक्सपोजर टू सल्फर डाइऑक्साइड, अगर सल्फर डाइऑक्साइड की तरफ हम एक्सपोज होते हैं उससे ज़ाहिर होते हैं, कैन कॉज ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़, तो सांस लेने की मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, निमोनिया, लंग का इन्फेक्शन है, लंग कैंसर और लंग कैंसर की वजह बन सकती है। इसके अलावा भी इसके इफ़ेक्ट्स हैं इंटेस्टिंग फॉर्मेशन में, ये भी साथ आपने लिखने हैं इसके। सल्फर डाइऑक्साइड कैन कॉज सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज अस्थमा, दमे की जो बीमारी है वो शदीद किस्म की भी हो सकती है, और इसकी वजह क्या हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ एक्सपोज कर जाते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, लंग्स के अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जब स्वेलिंग हो जाती है तो वो कंडीशन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहलाती है, जिसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का ज़्यादा नुकसान होता है। डिग्रेडेड लंग फंक्शन, लंग के अंदर जो उसका जो काम है वो तबाह हो जाता है। रेस्पिरेटरी फेलर, साइंसी जो सांस से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होंगे उनका नाकाम हो जाना, ये भी किस वजह से होगा, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट से मुतलक दिल की जो बीमारियां हैं उन्हें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बोलते हैं। कैंसर, ये तमाम जो इफ़ेक्ट्स हैं ये किसी वजह से हो रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। ये था ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स पे। नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज नंबर 49 पे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपने हेडिंग लिखनी है इफ़ेक्ट्स ऑन प्लांट्स। सल्फर डाइऑक्साइड डिस्ट्रॉयज, तबाह कर देती है क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट, प्लांट के अंदर ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, क्लोरोफिल, जो सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू करता है। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में द फोटोसिंथेसिस खुराक बनाने का जो अमल है एंड प्लांट ग्रोथ और प्लांट की जो ग्रोथ है और इफेक्टिव, दोनों ही मुतासिर होते हैं अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है कहीं पे भी जो है वो उसकी अमाउंट ज़्यादा है, तो वहाँ पे ना सिर्फ प्लांट्स बल्कि इंसानों का जो सिस्टम है वो भी इफेक्टेड होते हैं। ये सारी जो मैंने हेडिंग बोली है इसके साथ आपने इसको याद भी करना है और लिखना भी है।